क्या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हो? क्या आप बायर और सेलर लीड के लिए परेशान हो? क्या आप चाहते हो कि आपका बिजनेस वर्ल्ड वाइड एक्सपांड हो? जी हाँ दोस्तों, अगर यही क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक आपको देखना है, जिसमें मैं बहुत सारी कुछ अच्छी चीजें आपको बताऊंगा, जिसमें आज का जो मेरा टॉपिक होगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जो सबसे बड़ा टॉपिक होगा, वो यही होगा कि क्या एक वेबसाइट आपके बिजनेस को स्थापित करके उसे ग्रो कर सकती है। क्या एक वेबसाइट के थ्रू आप अपने बिजनेस को डोमेस्टिक मार्केट से इंटरनेशनल मार्केट में लेके जा सकते हो? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। द बिट सॉल्यूशन और इंडिया एक्सपोर्टर के ऊपर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं चेतन कुमार वर्मा आप सभी लोगों को आज इसी टॉपिक के ऊपर आगे लेके जाता हूं। दोस्तों जैसा कि हमने देखा है, रिसेंटली 10 से 12 साल में फिजिकल से डिजिटल मार्केट जो बना है वो फिजिकल मार्केट से बहुत बड़ा बन चुका है। आज आप और मैं जो आपस में कम्युनिकेट हो पा रहे हैं वो भी पार्ट ऑफ डिजिटल है, और उसी वे के अंदर आप लोग इंटरनेशनल मार्केट को भी ग्रो कर सकते हो। जो चीजें हमें 10 साल पहले बहुत हार्ड लगती थी, वही सब चीजें आज बहुत आसान हो चुकी हैं। डिजिटल मार्केट एक ऐसा पोर्शन है जहां पे आप अपने बिजनेस को बहुत फास्टली और बहुत ही कंज्यूमेबल पोर्शन के ऊपर आप उसे एक्सपांड कर सकते हो। कोई दायरा नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है। वेबसाइट क्या है? बहुत सारे क्यूरीज मेरे पास में इस रिलेटेड आई थी कि सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए वेबसाइट्स इंपोर्टेंट है या नहीं है, या फिर हम कुछ पोर्टल्स हैं उनके ऊपर हम हमारी लॉगिन बनाएं, वो लोग वहां पे हमसे लाख लाख डेढ़ डेढ़ लाख रुपए का पैकेज है उन लोगों का, जिसमें वो कहते हैं कि हम लीड्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, ये वो, ये सब शुरू रहता है। आप लोगों के पास में भी शायद इस टाइप के कुछ कॉल आए थे या फिर आ जाएंगे। दोस्तों इसमें मेरा मानना है कि उन लोगों के साथ में अगर आप एक हैवी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो इस चीज के लिए, तो उससे बेटर है आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाइए। क्यों? जब हम डोमेस्टिक में काम करते हैं तो हम हमारे ऑफिस का एड्रेस देते हैं या हमारी दुकान का एड्रेस देते हैं कि भैया यहां पे आओ, यहां पे मैं बैठता हूं, यहां पे आके हम बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं। बट जब हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं, जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो हमें उसे बुला नहीं सकते। इससे पहले कुछ वीडियो जो बने थे ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपके प्रोडक्ट के कैटलॉग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्या प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन किस तरीके से आप उसे प्रेजेंट कर सकते हो, बिकॉज प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट हियर। बायर तभी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा जब आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग और इंपॉर्टेंट होगी। एग्जीक्यूटिवेबल होनी चाहिए, जिसमें आपके प्रोडक्ट का पूरा स्पेसिफिकेशन हो, उसकी प्राइस हो, उसकी डेंसिटी, ईच एंड एवरी कंटेंट शुड बी एडेड देयर। लेकिन ये चीजें विदाउट वेबसाइट बहुत रेयर पॉसिबल हो पाती है, बिकॉज यहां पे बिजनेस प्रोफाइल नहीं बन पाती है आपकी, आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स ऐड नहीं कर सकते हो। और जब बायर ये डिमांड करता है कि सर प्लीज शेयर योर कंटेंट, प्लीज शेयर योर प्रोडक्ट डिटेल्स, प्लीज शेयर योर कोटेशन, तो हमें बहुत ज्यादा उसके ऊपर वर्किंग करना पड़ता है और उसे शेयर करना पड़ता है। जबकि अगर आपको मैं कहूँ, सपोज दैट आई एम बायर और आप कुछ सेल कर रहे हो, मैं आपको कहूंगी सर प्लीज शेयर योर डिटेल्स, आपने बोल दिया www.xyz.com, www.indiaexporter.in, ये मेरी वेबसाइट है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहां पे मेरा एक ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट हो जाता है दोस्तों कि यार वेबसाइट है, मतलब ये जीनियन है, बिकॉज इनकी वेबसाइट है। तो वेबसाइट्स के ऊपर आपके प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन वगैरह, यानी आपकी पूरी जो कॉन्टेक्ट है आपका, पूरा का पूरा प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कंटेंट है प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो पूरा का पूरा आ जाता है। आपकी कंप्लीट बिजनेस प्रोफाइल आ सकती है, आप वहां पे शो बिज कर सकते हो कि हाँ भाई हम किस तरीके से वर्किंग कर रहे हैं, कितना हम वर्किंग कर रहे हैं, क्या हमारी कैपेसिटी है, कितने सालों से हम इस बिजनेस के अंदर हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप वहां पे शो कर सकते हो। दैट इज पार्ट ऑफ फेथ जो क्रिएट करता है ट्रस्ट बायर और सेलर के बीच में। दोस्तों वेबसाइट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन यहां पे एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए जो टाइप है, तो मैं यहां पे दो टाइप्स यहां पे बताऊंगा आपको। एक होता है एक्सपोर्टर बिजनेस वेबसाइट और एक होता है एक्सपोर्टर ई कॉमर्स बिजनेस वेबसाइट। एक्सपोर्टर बिजनेस वेबसाइट जो होती है वो एज ए बिजनेस प्रोफाइल होती है, कि जहां पे आपकी बिजनेस प्रोफाइल बनाई जाती है,
आपके प्रोडक्ट्स की कैटलॉग लगाई जाती हैं, आरक्यूएफ यानी रिक्वेस्ट कोटेशन फॉर्म वगैरह वहां पे इनबिल्ड होते हैं, लाइव चैट वगैरह वहां पे रहती हैं, और वहां पे एक्सप्लेनेशन रहता है आपके सभी प्रोडक्ट का, रिलेटेड प्रोडक्ट वगैरह वहां पे सब कुछ आपको मिल जाता है। एक ब्रीफ में आपके कॉन्टैक्ट की प्रोफाइल होती है जो आपके बायर को आपसे कनेक्ट करती है और एक ट्रस्ट फैक्टर पैदा करती है। तो ये एक तरीके से नॉर्मल, इसे ई कॉमर्स नहीं कहा जाता है बिकॉज ये बिजनेस प्रोफाइल होती है, ये B2B ट्रांजेक्शन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जहां पे बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, जहां पे एक ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट होता है। आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हो कि मोस्टली इसके अंदर क्या क्या चीजें एडेड होती हैं। और ये जो बिजनेस प्रोफाइल वाला जो आइडिया है, जो मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोज में बताया था, तो आज मैं इसके ऊपर इसलिए वर्किंग कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में काफी हैवी रिक्वायरमेंट्स इनके आई थी, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये बिजनेस प्रोफाइल वेबसाइट इंडिया एक्सपोर्टर की टीम भी बनाती है आप लोगों के लिए, और इसकी कॉस्ट मार्केट कॉस्ट से हमने बहुत कम रखी रखी है, जिसमें हम लेते हैं आपसे 30,000 रुपीज, जिसमें हम आपको आपकी वेबसाइट बना के देते हैं और उसे पूरा का पूरा एक बिजनेस प्रोफाइल के साथ में मॉड्यूल किया जाता है, ताकि आपके बायर आपसे कभी भी इस तरीके से प्रोफाइल या कुछ भी ना मांगे। आपने एक बार अपना लिंक शेयर कर दिया, वहां पे बात कंप्लीट हो जाती है। इसके साथ में हमें जो नीड्स पता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो सभी चीजें इस वेबसाइट में इंप्लीमेंट की जाती हैं। इवन डेडिकेटेड IP हो, SSL हो, तो वो हर स्टैंडर्ड जो एक इंटरनेशनल बायर को आपके बिजनेस के लिए अट्रैक्ट करता है, वो सभी चीजें यहाँ पे ऐड की जाती हैं। इसके साथ में अगर आप अपनी मोबाइल ऐप भी चाहते हो, तो वो एड ऑन पैकेज है, वो जिसका हम 10,000 रुपीज लेते हैं, तो वो आप एड ऑन के अंदर हमसे ले सकते हो। दोस्तों, दूसरी जो है वो है एक्सपोर्टर ई कॉमर्स वेबसाइट, यानी आपके कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे क्लॉथ्स वगैरह हैं, कुछ क्रॉकरीज हैं, या कुछ XYZ ऐसे प्रोडक्ट जो सिंगल यूनिट में सेल होते हैं, आप चाहते हो कि मेरा मार्केट डोमेस्टिक में भी रहे, मेरा मार्केट इंटरनेशनल में भी रहे, मैं डोमेस्टिक में भी सेल आउट करूं, इंटरनेशनल में भी सेल करूं, मैं ऑनलाइन पेमेंट लूं, डोमेस्टिक पेमेंट भी लूं और इंटरनेशनल पेमेंट भी लूं, जिसे हम एक्सपोर्टर ई कॉमर्स वेबसाइट कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं बिकॉज आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी ऑलरेडी एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है, प्रीमियम क्वालिटी होती है, जो डोमेस्टिक में भी हाई डिमांडेड होती है, तो आपके प्रोडक्ट की यहाँ पे भी डिमांड रहती है, जो आप यहाँ पे अपने वेब पोर्टल से सेल कर सकते हो। और जब कोई बायर आपके पास में, इंटरनेशनल बायर आता है, जब आपके प्रोडक्ट देखता है वहां पे, तो वो समझ जाता है कि जब ये डोमेस्टिक में इतना सेल कर रहे हैं, इसका मतलब ये ट्रस्टेबल एजेंसी है, ट्रस्टेबल इनकी फॉर्म है, ट्रस्टेबल इनका बिजनेस है, तो वहां पे वो डील करने में आपसे बिल्कुल भी कतराएगा नहीं। वहां पे आप अपनी कंडीशंस वगैरह उसके साथ में मेंशन कर सकते हो। तो इसके अंदर भी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों पेमेंट गेटवे हम लोग ऐड करते हैं। आप पूरी अपनी वीकली, मंथली, ईयरली पूरी रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट वगैरह प्रोडक्ट वाइज आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। पूरी क्रिस्टल रिपोर्ट यहाँ पे आती है, जैसा कि आप देखते हो कूपन कोड वगैरह, डिस्काउंट फैक्टर वगैरह के पीछे सभी लोग आजकल इवेंट्स के हिसाब से चलते हैं, तो वो सब चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके साथ में कूरियर मैनेजमेंट का सिस्टम भी इसी पोर्टल पे आपका आ जाता है, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो। इस वेबसाइट को हम ऐसे ऑप्टिमाइज करते हैं बिकॉज अगर गूगल पे ना आए तो उस वेबसाइट का कोई मतलब नहीं है। रोजाना करोड़ों वेबसाइट्स लॉन्च होती है, करोड़ों वेबसाइट्स बंद होती हैं, तो वही वेबसाइट जो गूगल पे आती है फर्स्ट पेज के ऊपर, उन्हीं वेबसाइट्स का मजा रहता है। तो हम यहाँ पे इसको एक SEO ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, स्टार्टर SEO आप लोगों का करके देते हैं, बाकी तो आगे SEO के प्लान्स बहुत बड़े होते हैं, लेकिन हम आप इसको इस तरीके से बना के देते हैं कि आपका गूगल पे आता है, ट्रस्ट फैक्टर के अंदर आपकी वेबसाइट रैंक होती है। इसके साथ में इंडिया एक्सपोर्टर जो हमारी वेबसाइट है, उस पर जो हमारी मेंबरशिप, प्रीमियम मेंबरशिप होती है 15,000 रुपए की, वो आपको इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, यानी आपका वहां पे वेरीफाइड सेलर का अकाउंट बनता है। वेरीफाइड सेलर का अकाउंट हम आपको एक्सपोर्टर बिजनेस वेबसाइट में भी बना के देते हैं। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है दोस्तों, वो यही है कि यहाँ पे हमारी तरफ से ही आपको होस्टिंग प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पे हमारी तरफ से ही आपको डोमेन प्रोवाइड किया जाता है, यानी आपको सिर्फ आना है और अपने बिजनेस का नाम हमें सजेस्ट करना है कि ये हमारे बिजनेस का नाम है। आगे का जो पूरा प्रोसेस होता है वो हमारी टीम हैंडल करती है, और आपके बिजनेस को सेटअप करने में हमारी पूरी टीम आपके साथ में कोऑर्डिनेशन में रहती है, और पूरा बिजनेस आपका इंटरनेशनल मार्केट तक सेटअप करवाती है। दोस्तों, वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपने Alibaba.com का नाम सुना होगा, इंडिया मार्ट का नाम सुना होगा, ये सब भी वेबसाइट्स हैं। तो जब आप, मैं ई कॉमर्स की बात कर रहा था, अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाते हो,
जिसकी कॉस्ट होती है 50,000 रुपीज़ हमारे पास में स्टार्टिंग कॉस्ट होती है। उसके बाद में उसके कुछ वेरिएंट्स होते हैं जिससे उसकी कॉस्ट आगे इंक्रीज होती जाती है। लेकिन एक स्टार्टअप के तौर पे अगर आप अपने बिजनेस को सेटअप करके ग्रो करना चाहते हो तो ये एक इनिशियल स्टेज होती है जहां पे अगर आप इतना पेमेंट करवाते हो तो आपको यहाँ पे ये पूरा वेब पोर्टल आपके लिए लाइफ टाइम मिलता है। यानी यहाँ पे कोई 1 ईयर की मेंबरशिप वगैरह कुछ भी नहीं है, ये आपका लाइफ टाइम पोर्टल होता है। इसका फायदा ये है कि आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो लेकिन दूसरा कोई बंदा अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहता है तो आप उससे ईयरली ले सकते हो कि भैया मैं तेरे से 10,000 रुपीज लूंगा 1 साल का, तो मेरी वेबसाइट के ऊपर अपने प्रोडक्ट सेल कर सकता है। बिकॉज यहाँ पे हम हर चीज अनलिमिटेड करते हैं आप लोगों के लिए। अनलिमिटेड प्रोडक्ट आप डालिए, अनलिमिटेड कैटलॉग आप डालिए, अनलिमिटेड कैटेगरीज आप बना सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना खुद का एज ए सर्विस प्रोवाइडर आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट से आप खुद के बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। दोस्तों वीडियो के अंदर बताने वाली बात यही थी कि आप लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये आपका एक वर्चुअल एड्रेस बनता है जहां पे आपका बायर आके आपसे मीट कर सकता है, मीटिंग्स कर सकता है, जिससे उसका ट्रस्ट बिल्डअप होता है और ट्रस्ट बिल्डअप होता है उसके बाद में वो आपसे डील करता है। वो पेमेंट करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा बिकॉज उसे एक ट्रस्ट फैक्टर वहां पे क्रिएट कर देगा। इसके लिए अगर आप में से कोई भी स्टार्टअप, कोई भी अगर एक्सपोर्टर इंपोर्टर अगर अपनी वेबसाइट बनवाना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, यहाँ पे आप नीचे भी नंबर देख सकते हो, आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हो, इसकी और डिटेल्स आप हम लोगों से ले सकते हो। ये 7 डेज का हम लोग टाइम लेंगे इस वेबसाइट्स को बनाने में। 7 डेज के अंदर हम आपका ऑनलाइन बिजनेस पूरा का पूरा सेटअप करके ऑन एयर वर्ल्ड वाइड आपको कर देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर बताने का मकसद मेरा इतना ही था, ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है। हम लोग हमारे पास में डिमांड है इसलिए हम ये सर्विस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे वेबसाइट जो है वो आप लोगों को बनानी चाहिए। वेबसाइट बनाने से आपका खुद का एक वर्चुअल एड्रेस क्रिएट होता है जो आपका बायर के साथ में रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग करता है, ट्रस्टेबल करता है। इसके बाद का एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए कल लेके आऊंगा जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में होने वाले फ्रॉड, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे केसेस आए हैं जिनमें जो लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ में बहुत हैवी फ्रॉड हुआ है, जहां पे बायर ने पेमेंट किया है तो प्रोडक्ट नहीं मिला है, सेलर ने प्रोडक्ट भेजा है तो उसे पेमेंट नहीं मिला है, ये दोनों चीजें हैं। तो कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने पेमेंट को या अपने प्रोडक्ट को सेफ रख सकते हो, क्या क्या सावधानी आपको इस बिजनेस में रखनी चाहिए। तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को एक बार क्लिक कर दीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास में सबसे पहले आए। थैंक यू एवरीवन।